वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कल रांची नगर निगम ने शहरी विकास पर जोर देते हुए 2,76,00,000 करोड़ का बजट पारित किया है। साथ ही कई प्रावधान भी किए गए। रांची वासियों की मूलभूत सुविधाओं और शहरी गरीबों के विकास को लेकर अनुमानित बजट रांची नगर निगम के द्वारा पारित किया गया। 2,276 करोड़ वाले इस बजट में निगम को गैर सरकारी मद से 205.44 करोड़, वही राज्य सरकार से 620.93 करोड़ एवं केंद्र से 693.06 मिल रहे हैं। इसके अलावा निगम अपने विभिन्न आय स्रोत से राशि जुटाएगी। मिलाकर के हम लोग ने 2,276 करोड़ का बजट इस बार पारित किए हैं 2019-20 का। इसमें अलग अलग योजना है, जैसे रांची में जनता को पानी पिलाने के लिए सफाई व्यवस्था, पार्किंग का, खेल का मैदान। निगम ने इस वित्तीय वर्ष में 25% तक की वृद्धि करते हुए कहा है कि इस वर्ष मुख्यतः जल संकट, साफ सफाई, पार्किंग व्यवस्था, संस्थाओं में शौचालय की साफ सफाई समेत कई कल्याणकारी योजनाओं पर जोर दिया गया है और शहर की मूलभूत सुविधाओं को दुरुस्त करने पर खासा जोर दिया जाएगा। तो कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर हम लोग नहीं कर पाते, तो इसलिए आज बृहद चर्चा इस बात पे हुई कि किस प्रकार से हम नगर पालिका जो हमारी है नगर निगम, उसको किस प्रकार से हम ज्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हैं, कैसे फाइनेंशियली हम लोग इसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं। हालांकि यह प्रस्तावित बजट है जिसमें कई पुरानी योजनाओं का क्रियान्वयन के साथ साथ शहर को बेहतर बनाने को लेकर खर्च किए जाएंगे, लेकिन लगभग 600 करोड़ की वसूली का लक्ष्य रखा गया है जो पिछले वित्तीय वर्ष से दुगना है। ऐसे में इसका सीधा असर राजधानी वासियों पर पड़ेगा। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट।